हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए किचन टिप्स के साथ साथ छोटी छोटी रेसिपीज लेकर आई हूँ। तो जब भी आप गोभी की सब्ज़ी बनाएं तो गोभी को अच्छे से गर्म पानी से आप उसको धो लें और इसे तेल में मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको फ्राई करें। तो थोड़ा सा जब गोभी आपका गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें आधा टी स्पून आप नमक ऐड कर दें। इससे आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि इसके अंदर नमक का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाता है। तो गोभी देखिए आपका गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह से वापस से आप उसी तेल में आलू को छील के काट के डाल दीजिए। आलू भी इसी तेल में फ्राई करने से इसमें भी नमक का बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा और आपकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इस तरह से आलू को भी आप मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। तो देखिए आलू हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें ढेर सारा हम धनिया पत्ता डालेंगे, इसे सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। तो चलिए मेरी जो दूसरी रेसिपी है वो छोला है। तो तेल को गर्म होने दीजिए और इसमें कुछ खड़े मसाले आप डालिए, इसे बहुत ही अच्छा छोला आपका बनने वाला है। अब यहाँ पर हम कुछ प्याज ले लिए हैं 3-4, इसे थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है और प्याज को हमें चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज को आप मीडियम फ्लेम पे ही भूने। तो चलिए अपना मसाला हम तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ पर आप हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इससे छोले में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है फ्रेंड्स। और इसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। तो आप एक बार दही डाल के ज़रूर छोले बनाकर देखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और प्याज को बढ़िया से भून देंगे। तो देखिए अदरक लहसुन भी हमारा कुछ देर में भून जाएगा। अब ये जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे उसे हमें डाल देना है। अब इसे भी मीडियम फ्लेम पे मसालों को बढ़िया से भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो 1 मिनट भूनने के बाद देखिए हमारे मसालों में तेल छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप अपने छोले को डाल दें और इसे भी 1 मिनट तक भून लेना है। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो छोलों को आप ज़्यादा ना भूनें, बस 1-2 बार इस तरह से चला के भून लें ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोले को अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालते समय आप ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ना हो, नहीं तो छोले आपके अच्छी तरह से नहीं गलेंगे। और यहाँ पर हम चाय पत्ती का पानी डाल देंगे, इससे छोले में बहुत ही बढ़िया कलर आने वाला है। इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून आप बेकिंग सोडा ऐड कीजिए, इससे छोले आपके जल्दी गल जाएंगे और आपका गैस भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होने वाला है। तो यहाँ 4-5 विसिल लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया छोले गल के तैयार हुए हैं। अब इसमें हरी धनिया आप डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और छोले में ऊपर से एक बार आप तड़का ज़रूर लगा कर देखिएगा। तो 1 चम्मच घी डालेंगे, 3-4 हरी मिर्च और 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स छोले में। और यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो रेड चिल्ली पाउडर है उसे डाल देंगे। तो रेड चिल्ली पाउडर हमेशा गैस बंद करके ही डालें, नहीं तो आपका मसाला जल जाएगा। तो देखिए हमारे छोले बन के तैयार हैं। तो ये कैसी लगी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें।